बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। इनमें से कौन सी डायग्राम्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फंक्शन और रिलेशन दो टाइप्स होती हैं, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, पहले ये समझेंगे, और विच टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं हम ये देखेंगे। जब ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी तब इस क्वेश्चन को हम एक मिनट में अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इस तरह के जितने भी आंसर क्वेश्चंस आपको आगे फेस करने पड़ेंगे लाइफ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है फंक्शन और रिलेशन का, और बहुत ईजी है, बहुत वाइड जगहों पर यूज़ होता है। तो इसको हम समझते हैं फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या है सबसे पहले, और उसके बाद अगर फंक्शन हो तो कौन सी टाइप का फंक्शन होगा, उसकी एग्जांपल्स के साथ हम उसको समझेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इनके साथ लिखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सी टाइप से इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स की, कि फंक्शन की बेसिक्स क्या है, ठीक है। और जब ये हम बात कर लेंगे फंक्शन की बेसिक की, तो हम ऑनवर्ड लेकर इसको चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं छोटा सा कंसेप्ट के रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखेंगे रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे इसके लिए, और इसमें हम डिफरेंस देखेंगे रिलेशन और फंक्शन का। फंक्शन का नाम सुनते ही आपके जहन में आता है शादी का फंक्शन है, इस तरह की बातें आपके जहन में आ जाती हैं। तो हम उसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे कि आपके जहन में जैसे ही फंक्शन का नाम सुनते हैं शादी का फंक्शन आ जाता है। तो एक बच्चा है, ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट हैं, C1 C2 C3 तीन बच्चे हैं, और इधर हम लिखते हैं दो फादर्स हैं F1 और F2। तो अब होता क्या है, जब शादी होती है तो एक से ज़्यादा बच्चे बंदे के होते हैं। तो C1 से पूछा आपके फादर कौन हैं, तो C1 ने कहा मेरे फादर हैं F1। इसी तरह C2 से पूछा आपके फादर कौन हैं, तो उसने कहा मेरे फादर हैं F1। जबकि C3 यानी कि थर्ड चिल्ड्रन से पूछा आपके फादर कौन हैं, तो उसने कहा F2। तो ये हमारी अकल मानती है कि दो बच्चों का एक बाप हो सकता है और एक बच्चे का एक बाप भी हो सकता है। तो ये जो है ये फंक्शन कहलाता है। जबकि रिलेशन क्या है, ठीक है, एक बच्चा है उसे हमने पूछा C1 C2 यहाँ पर लिखते हैं, इधर हमारे पास तीन फादर्स हैं F1 F2 F3, ठीक है। एक बच्चे से पूछा आप C1 से पूछा आपके फादर क्या हैं F, उसने कहा जी F1 है। फिर C2 से पूछा आपके फादर क्या हैं, तो उसने कहा जी F2 हैं, ठीक है। फिर दोबारा से C1 से पूछा सोच लो, तो उसने क्या कहा, नहीं मेरे फादर F3 भी हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो C1 था उसने फादर बताए F1, उसके बाद C2 ने फादर बताए F2, फिर C1 रिपीट हुआ और उसने कहा नहीं मेरे फादर F3 हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक बच्चे के दो बाप हो गए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, जब भी फंक्शन होता है तो एक बच्चे का एक ही फादर होता है। तो सिंपल सी एग्जांपल है इसकी, कि आपने देखना है एक जो इनपुट है यानी कि डोमेन है उस पर दो वैल्यूज तो नहीं मिल रही, यानी कि पहले 1 पर 1 था फिर 1 पर 3 तो नहीं आ गया। यानी कि अगर प्रीवियस एग्जाम्पल आप देखें इसकी, तो इसके अंदर आपके पास जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो 1 ने कहा मेरे फादर 1 है, फिर 1 ने कहा मेरे फादर क्या है 2 हैं, फिर 1 ने कहा मेरे फादर क्या है 3 हैं। तो 1 पर 3 आपको वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये जो होगा ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर देखें तो 1 ने अपना फादर रिपीट नहीं किया, 1 पर 4 ही रहा, 2 ने भी अपना फादर रिपीट नहीं किया किसी जगह पर भी, 3 ने भी और 4 ने भी। तो ये जो है आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन और रिलेशन में अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो इस तरह आप डिफरेंस करेंगे, और अगर इस तरह लिखा हो तो आपने देखना है दो, यानी कि अगर इस तरह लिख दिया जाए कि C1 से पूछा उसने कहा फादर है F1, C2 से पूछा उसने कहा फादर है F1, तो दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। इसी तरह C3 से पूछा F2, तो ये जो है ये फंक्शन है, जबकि ये क्या है आपके पास रिलेशन है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है सबसे पहले समझने के लिए फंक्शन और रिलेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी की एग्जांपल, जो एक क्वेश्चन गिवन है,
उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है उसमें इनपुट 1 है, आउटपुट ए भी आ रही है और बी भी। तो 1 से पूछा आपके फादर क्या है, उसने कहा ए है, फिर 1 ने कहा नहीं बी है, तो दो हैं ए भी और बी भी। तो ये है रिलेशन, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें तो एल का भी और एम का भी फादर एक्स है, यानी कि दो बच्चों का एक बाप हो सकता है। तो ये भी क्या है आपके पास, ये फंक्शन है और ये क्या है रिलेशन है। सबसे पहले एक एग्जांपल से हमने समझा फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या है। एक और रिलेशन की एग्जांपल यहाँ पर मैं दूंगा जो कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चे थे, C1, C2 और C3। यहाँ पर है F1 और F2। C1 के फादर है F2, C3 के फादर है F1। तो एक बच्चे का एक बाप नॉर्मल बात है, लेकिन C2 ने ना F1 की तरफ इशारा किया ना F2 की तरफ, कोई लाइन नहीं है। तो C2 अपने वालिद का नाम नहीं बता रहा, अपने फादर का नाम नहीं बता रहा। तो ये भी क्या है रिलेशन है। तो सबसे पहले आपने समझा ये दोनों एग्जांपल्स है रिलेशन की, और ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन की है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों के। अब हम देखते हैं फंक्शन अगर आ जाए तो फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उन टाइप्स को समझने के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको ऑलरेडी ये सारा का सारा कुछ आता होगा। आपने एक मिनट में मुझे आंसर देते चलना है, आपका क्विकली मतलब होता जाएगा सारा का सारा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के, फंक्शंस की कितनी टाइप है। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, उनकी वर्डिंग के साथ आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले जो टाइप आती है वो आती है इन टू फंक्शन की। इन टू का अगर हम उर्दू में मतलब करें, इन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू कहते हैं अंदर को, इन टू द बॉक्स, इन टू द फैमिली। क्योंकि यहाँ पर हमने फैमिली की एग्जांपल ली है, तो इन टू का मतलब है खानदान के अंदर, इन टू दिस फैमिली। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 3 चिल्ड्रंस हैं, 1, 2, 3, और ये हैं 4 भाई जिनके बेटे हैं, हम लिखते हैं एक्स वाई जेड टी, ठीक है, और साथ लिख देते हैं हम, ठीक है। अब 1 से पूछा आपके फादर कौन हैं, तो उसने कहा एक्स हैं। 2 से पूछा, उसने भी कहा एक्स हैं। 3 से पूछा, उसने कह दिया वाई हैं। तो दो, एक या एक से ज़्यादा मेंबर अगर फ्री हो, यानी कि जहरी बात है हो सकता है जेड की भी शादी ना हुई हो, टी की भी शादी ना हुई हो, ठीक है। तो ये एक्स और वाई हैं, इन दोनों के बच्चे हैं, और बाकी दो हैं फ्री हैं खानदान में। तो ये फादर्स की लिस्ट हो सकती है पॉसिबिलिटी, और ये चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ पर ये जो बनेगा, क्योंकि इन टू दिस फैमिली हैं, ये सारे के सारे बच्चे बिलोंग कर रहे हैं इस फैमिली के अंदर, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा इन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, इसे हम कहेंगे इन टू फंक्शन। इसी की एग्जाम्पल आपके पास बुक में भी एक गिवन है कि ये आपके पास 3 चिल्ड्रंस हैं और ये क्या है 4 फादर हैं। तो 1 का जो फादर है वो 2 है, 3 का फादर 4, 5 का फादर 6, और एक जो बंदा है 8, उसका कोई बच्चा नहीं है, पॉसिबिलिटी है, बेशक से कुवारा भी हो सकता है, और इसकी सो ऑन डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं। तो ये जो होगा आपके पास फंक्शन कहलाएगा इन टू फंक्शन। लेकिन अभी ये कंप्लीट एग्जांपल नहीं है, मैंने इसके साथ की एग्जांपल इसलिए नहीं दी यहाँ पर तीनों को, इसलिए क्या इसका एक रीज़न है जो अभी नेक्स्ट स्टेप पर जाकर आपको समझ आएगा। तो इन टू का मतलब है अंदर, यानी कि एक या एक से ज़्यादा फादर फ्री हों और सारे के सारे बच्चे इस तरह जा रहे हों, तो आपके पास वो फंक्शन कहलाता है इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन के बाद एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को अगर मैं लफ्जी मतलब देखूं तो इसका मतलब होता है ऊपर, ऑन टू, ऑन द टेबल, जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑन टू, तो इसको हम पढ़ेंगे ऊपर। कैसे देखेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 3 बच्चे हैं और हम कहते हैं 2 फादर्स हैं, F1, F2। 1 से पूछा आपके फादर कौन है, उसने कहा F4, 2 ने भी कहा F4, 3 ने कहा F2, 4 ने कहा F2। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं इन्हीं 2 फादर्स के ऊपर चले गए, यानी कि इन्हीं 2 फादर्स के थे, F1 और F2 के थे। तो ये जो फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर आ गए हैं, कोई भी इधर एक्स्ट्रा बचा नहीं है, जितने चिल्ड्रन थे ऊपर ऊपर हमने डिवाइड कर दिए F1 और F2 पर, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है, इसको हम समटाइम्स सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर
जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है वन टू वन की। एक फंक्शन हम देखते हैं वन टू वन, ठीक है। सबसे पहले हमने पांचवा देखना है, वन टू वन। वन टू वन का मतलब क्या होता है? एक के लिए एक। इसको हम यूं ही समझेंगे कि मिसाल के तौर पर वन टू, इधर लिखते हैं एक्स और वाई, तो एक चिल्ड्रन का एक फादर, एक के लिए एक, एक के लिए एक, तो वन टू वन। अब कोई भी फंक्शन अकेला वन टू वन नहीं होता, यानी कि एक के लिए एक नहीं होता। होता ये है कि ये यहाँ वन टू वन प्लस ऑन टू होगा, यानी कि हम देखते हैं वन टू वन होगा और साथ प्लस होगा ऑन टू लिखते हैं या इन टू लिखते हैं। पहले इन टू की एग्जांपल देता हूँ आपको, इन टू होगा, वन टू वन प्लस इन टू होगा, और यहाँ क्या होगा? वन टू वन प्लस ऑन टू, ठीक है। इस दोनों की मैं एग्जांपल्स दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन टू वन प्लस इन टू होगा या वन टू वन प्लस ऑन टू होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, वन टू थ्री, यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो वन का फादर ए, टू का फादर बी, थ्री का फादर सी। एक जो है डी वो फ्री है, उसका कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, यानी कि वो किसी का फादर नहीं है। तो ये एक के लिए एक भी है, वन के लिए ए है, टू के लिए बी है, थ्री के लिए सी है, तो ये वन टू वन भी हो गया, और ऊपर ऑन टू इन टू भी आ रहा है, यानी कि इस फैमिली के अंदर अंदर है सारे के सारे चिल्ड्रन। ऐसे फंक्शन जो वन टू वन प्लस इन टू हों, इनका नाम होता है इंजेक्टिव। क्या कहते हैं? इन इन टू से ये नाम निकलेगा, इंजेक्टिव कहलाएंगे। तो इनको आप वन टू वन प्लस इन टू लिखने की बजाय लिखेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह बाज बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, वन टू थ्री, ए बी और सी, तो ये एक के लिए एक भी है और सारे के सारे चिल्ड्रन इस फैमिली के ऊपर ऊपर आ गए, कोई बंदा फ्री नहीं बचा। तो ये वन टू वन भी हो गया, एक के लिए एक भी हो गया, यानी कि एक एक्स की एक डोमेन के लिए एक वैल्यू, वन के लिए सिर्फ ए ही है, इसके अलावा कोई नहीं, टू के लिए हमेशा बी है, थ्री के लिए सिर्फ सी है, थ्री के लिए ये नहीं है कि ऑप्शन कोई और हो। तो ये वन टू वन है, एक के लिए एक है और उसके अलावा ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर, कोई भी फ्री नहीं रहा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, इस फैमिली के ऊपर ऊपर आ गया। तो वन टू वन प्लस ऑन टू हो गया, तो इसको हम कहेंगे, ऐसी सिचुएशन अगर बन जाए तो हम इसको लिखेंगे बाईजेक्टिव, बाईजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह ये मैंने वन टू वन की जब एग्जांपल दी थी, तो एक के लिए एक भी है और साथ ही ऑन टू भी है, तो ये भी जो है क्या कहलाएगा? बाईजेक्टिव कहलाएगा। तो इसलिए हम इसको पांच केसेस में डिस्कस किया, जरूरी था कि सबसे पहले आपके पास क्या है? ऑन टू, ऊपर ऊपर, ठीक है, कि एक या एक से मेंबर ज़्यादा फ्री हों, तो ये ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन कहलाता है, अंदर है, ठीक है। उसके बाद आया ऑन टू, ऊपर ऊपर, कोई भी फ्री नहीं है और सारे के सारे चिल्ड्रन ऊपर फादर्स के आगे हैं। इसी तरह ये आपके पास सेकंड टाइप के बाद हमने थर्ड टाइप देखी, वन टू वन, यानी कि एक के लिए एक। फिर हमने बात की वन टू वन कभी भी सिंगल नहीं होता, या वन टू वन प्लस इन टू होता है या वन टू वन प्लस ऑन टू, जैसे कि ये वन टू वन प्लस ऑन टू की एग्जांपल थी। अगर वन टू वन प्लस ऑन टू हो तो इसको हमने बाईजेक्टिव कहना है, और अगर वन टू वन प्लस इन टू हो, यानी कि एक फैमिली, ठीक है, मेंबर ऐसा हो जो मिसिंग हो, तो इसको हमने इंजेक्टिव कहना है। तो अब जो बुक के अंदर क्वेश्चंस गिवन है उनकी तरफ चलते हैं और इनको हम समझते हैं, रिलेशन कौन सा है और फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन लिखता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बेस इसकी समझ आ गई होगी अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री के जो फिगर वन है, उसमें हमारे पास जो डायग्राम है उसमें लिखा हुआ है वन टू थ्री, आगे आपके पास है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। वन के फादर है ए, फिर कहता है, वन कहता है मेरे फादर क्या है? बी। उसके बाद टू का फादर है सी और थ्री के फादर हैं डी। तो अब वन कह रहा है मेरे दो फादर हैं, ए भी है और बी भी है, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है
कैसे मुमकिन है वन के फादर ए भी हों वन के फादर बी भी हों, तो इसको हम लिख देंगे ये है रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट पर दो आउटपुट्स आपको मिल रही हैं, एक एग वन है और उसके दो वैल्यूज हैं ए और बी भी, ठीक है। इसी तरह इसका आप सेकंड फिगर बनाते हैं और उसको देखते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या है। तो सेकंड फिगर में आपके पास पहले लिखा गया है ए बी सी, ए बी और सी, उसके साथ आपके पास लिखा हुआ है वन टू और थ्री, ए वन है बी टू है और सी थ्री है। अब इसको हम गौर से देखेंगे और उनके दरमियान एक रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक के लिए एक है, ए के लिए हमें वन है, बी के लिए टू है, सी के लिए थ्री है, तो हम कह सकते हैं ये वन टू वन है। सेकंड अगर इसमें देखें तो कोई भी मेंबर इधर फ्री नहीं है, तो ये वन टू वन प्लस ऑन टू है, ऊपर ऊपर आ रहे हैं, कोई इन नहीं है, फैमिली के अंदर नहीं है बल्कि फैमिली के ऊपर है, सारे के सारे चिल्ड्रन इस फादर मतलब फैमिली के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन जो वन टू वन प्लस ऑन टू हो, इसका हमने नाम रखा था बाईजेक्टिव, तो इसको हम कहेंगे बाईजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर थ्री देखें तो थ्री भी बिल्कुल सेम है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम उसमें इसका इन्वर्ट है, इन्वर्स है, यानी कि इधर लिखा हुआ है वन टू थ्री, यहाँ पर है आपके पास ए बी सी, तो वन के फादर ए हैं, टू के फादर बी हैं, थ्री के फादर सी हैं, एक चिल्ड्रन का एक फादर, तो ये जो है वन टू वन है, एक के लिए एक भी है और ऊपर ऊपर भी है, तो यानी कि वन टू वन प्लस इन ऑन टू है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे बाईजेक्टिव लिखेंगे, क्योंकि ऊपर ये सेम एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की, जो वन टू वन भी हो, एक के लिए एक भी हो और इधर कोई मेंबर फ्री ना हो, तो उसको ऑन टू कहते हैं। ऐसे फंक्शन जो वन टू वन होने के साथ साथ ऑन टू होते हैं उनको हम बाईजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, फंक्शंस कहते हैं। इसी तरह अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है, सॉरी फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट में आपके पास चिल्ड्रंस के नाम है एल एम एन और जो यहाँ पर फादर्स गिवन हैं उनके नाम है एक्स वाई और जेड। एल के फादर एक्स हैं, एम के फादर भी एक्स हैं और एन के फादर क्या हैं जेड हैं। तो यहाँ पर देखें आप, तो दो चिल्ड्रन के एक फादर हो गए, यानी कि एल और एम का फादर हो गया एक्स, तो ये एक के लिए एक वाली कंडीशन नहीं रही, यानी कि वन टू वन नहीं रहे, ठीक है। वन टू वन होने के साथ साथ अगर कोई फंक्शन वन टू वन ना हो तो आप बाईजेक्टिव भी जेहन से निकाल लें और इंजेक्टिव भी जेहन से निकाल दें, इन दोनों को आप जेहन से माइनस कर दें। फिर क्या बचता है आपके पास, एक वाई बचता है, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये x के दोनों हैं, y आपके पास फ्री है, तो ये सारे चिल्ड्रन इन टू दिस फैमिली बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा फ्री है, तो यहाँ पर आएगा इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, तो इसको हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल से एग्जाम्पल्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, सारे के सारे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है लेकिन ये लाइफ टाइम कंसेप्ट है, आगे चलेंगे जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको पहले अच्छी तरह समझ लें। कोई भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, और कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और आपने बाय उमर साजिद लिखना है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।